हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मरल फिश, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 kg मरल, जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसका पानी भी पूरा निकल चुका है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। अराउंड 1 lemon यहाँ पे लिया है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे हम। 1 tablespoon इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर। 1 tablespoon रेड चिली पाउडर। 1 tablespoon सॉल्ट। 1 tablespoon ऑयल ऐड कर देंगे यहाँ पे। गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon। 1 tablespoon यहाँ पे फिश मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1 hour के लिए मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देंगे। पैन अब गर्म हो चुका है, इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब फिश भी मैरिनेट हो चुकी है, हम उसे फ्राई कर लेंगे। अब हम फिश को ऐड कर देंगे। ये देखिए, फिश को डाल दिया है हमने। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए, ऑयल को चारों तरफ से इस तरह से हिला लेना है ताकि पूरी तरफ ऑयल जाए। अब इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बाकी भी टर्न कर लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसे हमें अलट पलट के बार बार अच्छे से एकदम फ्राई कर लेना है। जितना आप अच्छे से फ्राई करेंगे उतनी क्रिस्पी और डिलीशियस बनेगी ये। तो एकदम अच्छे से इसे कुक करना होता है। हल्के हाथ से इसे पलटिएगा ताकि ये टूटे नहीं, और अच्छे से इसे फ्राई करिएगा अलट पलट करके ताकि ये एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी बने। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी की भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम फिश को निकाल लेते हैं। ये देखिए,
चलिए बाकी की भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है अब।